हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो जैसे पापा ने बोला कि अब मैं बताना चाहूँगा कि मेरे समय में क्या रिपब्लिक डे की एक्साइटमेंट होती है हम बच्चों के अंदर। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ नहीं होता इस समय के टाइम पे, बस स्कूल से छुट्टी मिल जाती है और कुछ भी नहीं होता। बल्कि अब जब कोविड आ गया उसके बाद थोड़ा सा हमारा अच्छा होने लगा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर सभी बच्चे कुछ ना कुछ रखते हैं अपने विचार इसके ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस समय में, मतलब जो हमारा पहले जो नॉर्मली स्कूल जाया करते थे उससे अच्छा है कि जो अभी जो कोविड आ गया है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उससे अच्छा होता है हमारा। हाँ, ये चीज़ होगी ऑनलाइन क्लासेस में, मतलब पार्टिसिपेशन मतलब ऑनलाइन ही अच्छा। जैसे आज तुम्हारी सुबह जो मतलब ऑनलाइन में तुमने पार्टिसिपेट किया था उसमें भी तुमने पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी, चलो उस समय तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, पर वो क्या था तुम्हारा, तुमने क्या उसमें बोला था? कुछ बोली थी मैंने, चलो लाइन तो मैं जितनी याद है तुम उतनी बता दो और उसका कुछ ट्रांसलेट करके बता दो कि क्या उसका क्या मतलब क्या था, जो मतलब समझा दो थोड़ा सा, व्यूअर्स को भी पता लगेगा। तो लाइंस को ऐसी थी कि वो दिन जिस दिन हमारे इस कंट्री को उसका एक लॉ मिल गया था, और यही वो दिन है कि जिस दिन हमारे जो और लोग रहते हैं हमारी कंट्री के उनको जस्टिस मिलना तय हो गया था। तो वही वो आज का दिन है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। यानी हमारा संविधान जो था आज की डेट में हमारा इम्प्लीमेंट किया गया था। तो प्रॉपर जो बाबा भीम जो भारत हमारा जो गणराज्य जिसको कहते हैं गणतंत्र, जो तभी हम इसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो ये रिपब्लिक डे है को पूरी तरह से जो संविधान जो हमारा लागू हो गया था 1950 में जो है 26 जनवरी को, उसके बाद से मनाया जा रहा है। जो 15 अगस्त है वो तो पूरी आजादी का दिवस है, और ये हमारा और ये हमारा जो है ये गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे आज मनाया जाता है। ठीक है, अब आप बलजीत सिंह जी आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? मैं बस यही सोचता हूँ, कहते हैं कि जैसे हमारे टाइम में भी था कि जैसे स्कूलिंग होती थी तो स्कूल में सेम जैसे मेरे भाई ने बताया, क्या कहते हैं कि छुट्टी मिल जाती थी, तो हाँ वो हमारे में भी होता था कि हमें छुट्टी मिल जाती थी। और जैसे अभी कोविड आया तो हाँ ये एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ देते हैं, जो स्कूल वाले जो देते हैं, मतलब कोई भी जैसे रंगोली होगी या फिर कोई पोएम लिखो या फिर पोस्टर बना के लो, वो ज़्यादा अच्छा है कि इस मामले में बेसिकली ना पार्टिसिपेशन अच्छा होता है, साथ में साथ ना कॉम्पिटिशन होता है ना, कॉम्पिटिशन बंदा पसंद करता है कि हाँ कॉम्पिटिशन है, तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई कॉम्पिटिशन है, कुछ करके दिखाएंगे। तो वही है, क्या कहते हैं कि अभी सबसे पहले तो सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे भी आज के दिन के लिए, और कोविड में क्या कहते हैं कि हाँ सभी इन्वॉल्वमेंट है, सभी अपना जैसे चल रहा है। तो और साथ ही साथ क्या कहते हैं कि जो हमारी हिस्ट्री, जो हमारी इंडियन सभ्यता जो है हमारी हिस्ट्री आई है, वो ये कि जो 1950 में क्या कहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर है उन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, जिससे आज हमारा प्रॉपरली हमारा जो आज का जो आप देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन जो आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, जैसे कोई भी हम क्राइम देखते हैं वो सारे के सारे बाबा भीमराव अम्बेडकर से हमारे इम्प्लीमेंट किए गए थे। तो वही काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे 26 रिपब्लिक डे वाले दिन आज के दिन ही वो सब कुछ लागू किए गए थे, जो कि बहुत खुशी की बात है। वंदे मातरम। मैडम आप भी अपने व्यू दीजिए 26 जनवरी के ऊपर में, क्या आप सोचते हैं, क्या ये था कि हम लोग को एक्साइटमेंट होती थी कि हमने स्कूल जाना है, जैसे सुबह रेगुलर उठना वैसे ही सुबह जल्दी जल्दी उठना, तैयार होना कि स्कूल जाना है, पीटी होती है, बहुत अच्छा हमारे स्कूल में फंक्शन हुआ करते थे, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट किया करती थी, फिर इंजॉय करते थे, झंडा फहराते थे, फिर हमें लड्डू मिला करते थे लिफाफे में डाल के, वो लड्डू का भी बड़ा एक्साइटमेंट होता था, अच्छा लगता था। अच्छा, वो टाइम अलग था, और आजकल के टाइम के में तो बहुत अलग है। अब जो बच्चों की ऐसा होता है कि छुट्टी हो जाती है 26 जनवरी 15 अगस्त है, छुट्टी हो गई, घर आ गए, घर पे रहो। तो हमारे वक्त ऐसा नहीं था, हम स्कूल जाते थे, बल्कि अलग से हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था पार्टिसिपेट करने के लिए, टाइम लगाना पड़ता था, कुछ भी सीखना है, डांस करना है, कोई भी एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो कर रहे हो, तो अलग से अच्छा लगता था और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। वंदे मातरम। We'll be right back.
ये कुछ नई चीज सी दिख रही है, मैं कहा इधर भी कुछ देखते हैं, कुछ लाइट म्यूजिक भी चल रहा है। और इधर मैं पहले तो आया हूँ, पर इस तरह का ये कुछ नई चीज़ इन्होंने ऐड की है। ओहो, ये मेरे ख्याल से ये सेक्टर 17 की तरफ इन्होंने अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया है बीच में से ना, उधर से आपने सेक्टर 17 से अगर आपने आना तो बीच में से अंडरग्राउंड रास्ता बना दिया इन्होंने। देखते क्या इन्होंने अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड रास्ता इधर को निकला हुआ है। जो रास्ता मैं बता रहा था आपको ये रोज़ गार्डन की तरफ से, ये देखिए पीछे जो ये इधर को रोज़ गार्डन है, इधर से मैं आया हूँ और ये ऊपर जो मेन रोड जा रही है वाली ऊपर मेन रोड जो रोज़ गार्डन के ऊपर जा रही है, ये नीचे से आया हूँ, ये सेक्टर 70 की तरफ रास्ता जा रहा है ये जो, तो ये पहले नहीं था, ये अभी मतलब बना है।
हमने 1.5-2 घंटे यहाँ पे स्पेंड किए हैं, बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। तो अब वापसी की तरफ है, अब वापसी आप बने रहें और देखते हैं इसके बाद का क्या प्लान बनता है और कहाँ जाते हैं। बने रहिए आप साथ में हमारे व्यूअर्स। गाइस ये आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ये सारे विंडशील्ड लगे हुए हैं, इसकी आवाज़ें हवा चल रही है और आ रही है आवाज। तो गाइस जी 22 में अब बिना जराबे जराबे लेने आए हुए हैं, जराबे लेके जा रहे हैं यहाँ से। अभी महिलाओं को 22 सेक्टर में आके इन्होंने अपनी दुकानदारी स्टार्ट कर दी खरीदारी। कलर चॉइस करने में बड़ा पंगे वाला काम है। ये देखिए गाइस ये है किरण सिनेमा जो कि अब वर्किंग में नहीं रहा। यार वीकेंड के गाने लगा दो रेडी। हम अपने वापसी पे हैं। अब 2 मिनट मैं करूंगा। तो सारा दिन हमने 1 मिनट में बोल एक मिनट मैं पहले बात कर लेता हूं। तो गाइस आज हमने सारा दिन बहुत एंजॉय किया और जो रिपब्लिक डे था वो भी हमने मतलब अच्छी तरह से उसको सेलिब्रेट किया है। तो होप करता हूँ आप लोग सभी भी इस चीज को समझ रहे होंगे, आपने भी सेलिब्रेट किया होगा। तो आज का फिर ब्लॉग एंड करने जा रहे हैं। तो ये सीधा कह रहा है कि सीधा कह रहा है कि मैं करूंगा।